ही देर में वसुंधरा राजे एयरपोर्ट के लिए रवाना हो रही है। गेट खुलने वाला है, वसुंधरा राजे बाहर आ रही हैं। 2013 में जब वो निकली थी तो मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के लिए जा रही थी और आज कुछ भी स्थिति साफ नहीं है। वसुंधरा राजे एयरपोर्ट जा रही हैं और एयरपोर्ट पर वो राजनाथ सिंह को रिसीव करेंगी। और देखिए वसुंधरा राजे एयरपोर्ट के लिए रवाना हो गई है और उन्होंने शीशा नीचे नहीं उतारा और एयरपोर्ट के लिए रवाना हुई वसुंधरा राजे। 2013 में यही वसुंधरा राजे मुख्यमंत्री बनने के लिए निकली थी, लेकिन आज तस्वीर बिल्कुल भी साफ नहीं है और कुछ भी नहीं कहा जा सकता कि अब आज जो है जो शाम को विधायक दल की बैठक में फैसला होगा तो क्या वो मुख्यमंत्री होंगी या नहीं होंगी, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल इस वक्त वसुंधरा राजे एयरपोर्ट के लिए रवाना हुई है, राजनाथ सिंह को रिसीव करेंगी। उनके साथ विनोद तावड़े आ रहे हैं, सरोज पांडे आ रही है, उनको रिसीव करने जा रही है। यानी कि वक्त के साथ में बहुत चीजें भी बदली हुई आप महसूस कर सकते हैं। 2013 में वसुंधरा राजे 163 विधायकों के साथ में चुनाव जीत करके आई थी, सीएम का चेहरा थी और मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के लिए निकली थी इसी बंगले से। लेकिन अब चीजें बदली हुई हैं, किसी को कुछ नहीं पता, सस्पेंस बरकरार है। शाम को तमाम अटकलों और कयासों पर विराम लगने वाला है और राजस्थान के मुख्यमंत्री का ऐलान होने वाला है। तो जैसे दिल्ली से राजनाथ निकले हैं, वसुंधरा राजे भी अपने बंगले से निकली है सीधे एयरपोर्ट के लिए और उनके समर्थक जरूर उम्मीद कर रहे हैं कि वो मुख्यमंत्री हो सकती है, लेकिन पुख्ता खबर किसी के पास नहीं है क्योंकि वो चेहरा नहीं थी चुनाव में, इसलिए कोई भी श्योर नहीं है कि वो मुख्यमंत्री बन सकती या नहीं। फिलहाल नई परिस्थितियों की यानी नए दौर की बीजेपी में तमाम जो चीजें हैं वो अब बदल गई हैं। अब पीएम मोदी की बीजेपी है, अमित शाह की बीजेपी और जेपी नड्डा की बीजेपी है, जिसमें बहुत सोच समझ करके फैसले होते हैं, बहुत सोच समझ करके पार्टी के नेताओं को आगे बढ़ाया जाता है। लो प्रोफाइल नेताओं को जो बिल्कुल भी उम्मीद नहीं करते पार्टी में कि वो भी सीएम बन सकते हैं, उनको मुख्यमंत्री के पद पर बैठा दिया जाता है, उनकी ताजपोशी हो जाती है। यानी कि अब नई सोच के साथ, नए इरादों के साथ बीजेपी आगे बढ़ रही है और इसमें अब किस नेता के भाग्य में क्या लिखा है, बाबूलाल आज शाम के 5 बजे तक तो पता चल जाएगा कि राजस्थान का नया मुख्यमंत्री कौन होगा। जी बिल्कुल, इंतजार की घड़ियां जो है वो शाम तक तो आपको मजबूर करेंगी क्योंकि विधायक दल की बैठक से पहले किसी के पास भी मुख्यमंत्री का नाम नहीं होगा। दिल्ली से नाम आएगा आधे घंटे पहले बताया जा रहा है, जो कुछ खबरें आती है सूत्रों के हवाले से वो यही कह रही हैं कि आधे घंटे पहले विधायक दल की बैठक शुरू होने के बाद में उस शख्स को, उस विधायक को नाम बता दिया जाएगा, उस नेता को नाम बता दिया जाएगा कि आप मुख्यमंत्री बनने वाले हैं। तो या तो पार्टी का आलाकमान जानता है या पीएम मोदी जानते हैं या फिर वो नेता जिसके भाग्य में आज मुख्यमंत्री बनना लिखा है। बिल्कुल बाबूलाल, आज का दिन काफी महत्वपूर्ण हो जाता है और जो आप तस्वीरें दिखा रहे हैं उसमें हलचल बहुत ज्यादा तेज होती हुई दिख रही है। आप बने रहिए हमारे साथ, प्रियंका हमारे साथ लाइव जुड़ी हुई है जो कि पल पल की अपडेट दे रही है। प्रियंका, सहयोगी बाबूलाल ने तस्वीर दिखाई है, वसुंधरा राजे एयरपोर्ट के लिए रवाना हो चुकी है जहां पर राजनाथ सिंह को वो रिसीव करेंगी। और देखिए लगातार जो तस्वीरें निकल करके सामने आई थी, कई विधायक वसुंधरा राजे से मिलने के लिए भी कल पहुंचे थे, उसके बाद जो तस्वीरें निकली थी उसमें भी देखिए बहुत ज्यादा हलचल तेज होती हुई नजर आई थी। आज क्या लग रहा है, क्योंकि 2013 में जैसे कि बाबूलाल ने बताया जब वो अपने बंगले से निकली थी तो मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के लिए पहुंची थी, आज फिर से निकली लेकिन बिल्कुल चुप्पी मायूसी, जब वो अपने कार से निकल रही थी तो शीशा भी उन्होंने डाउन नहीं किया और मीडिया से बिल्कुल मुखातिब नहीं हुई, चेहरे